प्रेमियों, अभिमन्यु का विवाह भाग दो अर्थात कृष्ण भात का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। आपने सुना है कि पांडव द्रौपदी सहित अपना 13वें वर्ष का जुए की शर्त का ज्ञातवास वैराट नगरी में वैराट भूप राजा कमल नयन के महलों में बिता रहे थे। वहां जब समय पूरा होने को आया तो कुछ ऐसा संयोग व संस्कार का योग मिला कि अर्जुन ने अपनी शिष्या राजकुमारी उत्तरा की शादी अपनी दूसरी पत्नी व कृष्ण की माँ जाई बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से तय कर दी और कृष्ण जी के पास में पत्र डाल दिया कि आप तुरंत ही अभिमन्यु सुभद्रा तथा अन्य परिवार वालों व सगे संबंधियों को लेकर बारात सहित मत्स्य देश आ जाओ तथा भात का इंतजाम भी कर लाओ। तो कृष्ण जी को जैसे ही पत्र मिला वे बहन सुभद्रा के पास में जाते हैं और उसके पुत्र अभिमन्यु के विवाह के संबंध में उसे बताते हैं। कहते हैं कि बहन, अभिमन्यु के विवाह की शीघ्र तैयारी करो। तो सुभद्रा सोचती है कि 13 वर्ष बीत गए, मैं अपने पति का वियोग सह रही हूं। आज तक तो कोई कुशलता का भी समाचार नहीं मिला है, आज एकदम पुत्र की शादी कैसे होने लगी। अतः दुख में उदास भाव से कहती है कि भैया, आप तो मुझे प्रसन्न करने के लिए बहका रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पुत्र की कहीं अच्छे खानदान से शादी हो जाए, क्योंकि यह तो मुझ दुखिया का एक अनाथ सा बच्चा है। अपने पिता की तो इसे शकल भी याद नहीं होगी। और मायूस होकर सुभद्रा अपने भाई कृष्ण से क्या कहती है, बिगड़ी मैं नाती गोती और भाभी भाई को बेवारिस के बेटे की करे ब्याह सगाई को। ते पढ़ा लिखा विद्वान देख से सुथरी शान सकल का ठीक निजान देख से। बेटी आला घर बरजर सब सामान देख से कुटम कबीला बिन तुक का खान दान देख से। कुटम कबीला बिन तुक का खान दान देख से। ओ गोतनाथ और जात की देगा, गोतनाथ और जात की देगा अड़े गवाही को। सब हाँ बैर भाव सब मिटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। परे खजाने लुटा करें इसी ब्याह शादी के मौके पे। मेवा और मिष्ठान बचा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। सर जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। जिन्हें गुड़ शक्कर भी नहीं मिले, हाँ गुड़ शक्कर भी नहीं मिले
चाट मिठाई को देवार से बेचे के कर रास गाय को बिगड़ी मैं ननाती बोती बाती भाई को देवार से बेचे के कर रास गाय को देवार से बेचे के कर रास गाय को हसनापुर में बड़ा छोटा कोई जाना शाना कोना पति मेरे लुट गए जुए में छल पिछाना कोना दर दर के हम बने भिखारी कितने ठिकाना कोना भूखे मरते फिरे रात दिन मिलता खाना कोना भूखे मरते फिरे रात दिन मिलता खाना कोना ओ इसे टूटे से बालक न ले इसे टूटे से बालक न ले बना जमाई को देवार इसके बेटे की करे जा सगाई को बात कही जासे मुआई बात कही जासे कुछ राजी ना निंदा करके मारे कौन सा सहारा ला दिया कहरी शर्मिंदा करके तेरे साल ते रांड बराबर घिरी बैठी फंदा करके पाटे कपड़े वक्त पे खाना तू मिल जा धंधा करके पाटे कपड़े वक्त पे खाना मिल जा धंधा करके ओ लक्ष्मी चंदन इस दुनिया में लक्ष्मी चंदन इस दुनिया में करे सहाय को देवार के बेटे ने कर जा सगाई को लेकिन कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा को समझाते हैं कि बहन अभिमन्यु की शादी का जिक्र मैं हंसी के भाव से नहीं कर रहा हूं बल्कि वास्तव में मेरे पास में एक पत्र आया है। अर्जुन सहित सभी भाइयों व द्रौपदी ने अभिमन्यु की शादी वैराट भूप कमलनयन की राजकुमारी उत्तरा से निश्चित की है और अब तुझे रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिन समय गर्दिश का था वह तो बीत चुका है। और इस प्रकार से कृष्ण जी अपनी बहन को अभिमन्यु के विवाह के संबंध में पत्र में लिखा सारा वृतांत बताते हैं किस तरह से। समय सख्त टल गया ग्रह का और कुशल सभी परिवार तेरा राजी हो के मंगल गाले रोना है बेकार तेरा समय सब ठर गया ग्रह का होरे कुशल सभी परिवार तेरा राजी हो के मंगल गाले Thank you.
पांडवों का लेकर एक विप्र देवता आया है। वैराट का जो मत्स्य देश है उसका पता बताया है। अभिमन्यु का लगन मत्स्य राजा ने ही भिजवाया है। भात बरात साथ में लेके पांडो ने बुलवाया है। पांडो ने बुलवाया है। जीने खोल सुभद्रा कह दे। जीने खोल सुभद्रा कह दे। जो कुछ और विचार तेरा राजे हो के मंगल वाले। रोना है बिगाड़ तेरा समय सब कर क्या गह काओरे। कुशल सभी परिवार तेरा राजे हो के मंगल वाले। सूरजवंशी खानदान में राजा कमल नैन भारी। 12 साल की उसकी बेटी नाम लिखा उत्तराकारी। ज्ञानवान गुण चतुर सीता पढ़ी लिखी नीति सारी। भगवान मिले प्रालब्ध से दुनिया ने रिश्तेदारी। दुनिया ने रिश्तेदारी। इस रिश्ते के होने ते सुख। इस रिश्ते के होने ते सुख। पावे राजकुमार तेरा राजे हो के मंगल गाले। होना है निकार तेरा समय सब कर क्या गह काओरे। कुशल सब परिवार तेरा राजे हो के मंगल गाले। रोना है निकार तेरा। समय है थोड़ा कुछ चलने का भी ध्यान करो। सखी सहेली बुलवा के बेटे का तेल और बान करो। पहले कर स्नान फिर तुम मन चाहा पुण्य दान करो। जो सामग्री हो शादी की जल्दी सब सामान करो। जल्दी सब सामान करो। दान धर्म ते को दान धर्म ते ईश्वर कह दे। बेड़ा परले पार तेरा राजे हो के मंगल गाले। रोना है निकार तेरा समय सब कर क्या गह काओरे। कुशल सब परिवार तेरा राजे हो के मंगल गाले। रोना है निकार तेरा। रुक्मणी रानी ओ रुक्मणी रानी तेरी बहू पे सब सिंगार चढ़ावेगी। मोसी बुआ चलेगी संग में सबको लाड लड़ावेगी। नीति ज्ञान बात सत्संग की द्रौपदी बाण पढ़ावेगी। गुरु मान सिंह की शिक्षा ते ज्ञान की ज्योत बढ़ावेगी। ज्ञान की ज्योत बढ़ावेगी। फिर रघुनाथ रोज गावेगा। फिर रघुनाथ रोज गावेगा। ए सत्संग में प्रचार तेरा राजे हो के मंगल गाले। रोना है निकार तेरा समय सब कर क्या गह काओरे। कुशल सब परिवार तेरा राजे हो के मंगल गाले। अब तो कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा व अभिमन्यु तथा दूसरे सगे संबंधियों सहित सज धज कर बहुत सा सामान लेकर बहुत सी रथ पालकियों सहित वैराट नगर में आ पहुंचे। शादी की तैयारी हो गई।
शादी का दिन आ गया और कृष्ण जी का भात भरने का समय भी हो गया। सुभद्रा द्रौपदी से कहती है कि बहन, भात लेने की रस्म आप ही को करनी है। लेकिन द्रौपदी तो इस बात पर गुस्से में भर आई, कहती है कि सुभद्रा, न तो मेरे पुत्र की शादी है और न ही कृष्ण मेरा सगा भाई है जो मैं उससे भात लूंगी, और न ही मुझे इस शादी का चाव या उमाह है। मुझे तो 13 वर्ष हो गए हैं धक्के खाते हुए, तू तो महलों में मौज कर रही है। मुझे तो मेरे सिर के ये खुले बाल हर क्षण झकझोरते रहते हैं, मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से भात लेने के समय अर्जुन की दोनों पत्नियां द्रौपदी व सुभद्रा में कहा सुनी हो जाती है और द्रौपदी गुस्से में क्या कहती है, ना कुछ सगा भाई मेरा, मेरे बेटे का ब्याह को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है मने भात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा रे बेटे का ना को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है मने भात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा रे बेटे का ना को ना। तने खुशी ब्याह की होरी मेरे हृदय में कांटे खटके, रही अनंत पीहर में हम धक्के खा दर दर भटके, धक्के खा दर दर भटके, मेरे खुले बाल सिर के लटके पर किसी को भी परवाह को ना, कोई दुखिया है कोई दुखिया है मने बात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा होए बेटे का ब्याह को ना। ब्याह की मारी रोटी को ना, दुख में भरगी चाहती, 13 साल बनो में रहना फिरती धक्के खाती, फिरती धक्के खाती, मैं भी किसी को नहीं चाहती जब मेरी किसी को चाहा को ना, कोई दुखिया है कोई दुखिया है मने बात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ब्याह को ना। हक है तेरा भात लेने का, तू ही सोच ले मन मैं जानू सू मेर तेर का फरक नहीं तिर सान में, फरक नहीं तिर सान में, दुखी चोट लगी मेरे तन में और किसे के घातो ना, कोई दुखिया है कोई दुखिया है मने बात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा रे बेटे का ब्याह को ना। और किसे का और किसे का दोष नहीं ना, सरपतियों ने जुए बिना ब्याह में आनंद ना आता, रघुनाथ चावरन हुए बिना, रघुनाथ चावरन हुए बिना, मेरे सिर का जुड़ा धुए बिना मेरे जीने का कुछ रहा को ना, कोई दुखिया है कोई दुखिया है मने बात की चाह को ना, ना कुछ सगा भाई मेरा
अब तो सुभद्रा व द्रौपदी के झगड़े के बीच में अर्जुन को आना पड़ता है। कहता है द्रौपदी से कि पांचाली, देख तेरा भैया कृष्ण भात देने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। उसका कहना है कि द्रौपदी ही भात लेगी। यदि तू इस मौके पर कोई राड जगाएगी और भात नहीं लेगी तो ये सगे संबंधी भी हंसी उड़ाएंगे और किशन जी भी सोचेंगे कि द्रौपदी ये विचार करती होगी कि मैं सुभद्रा व द्रौपदी दोनों को समान रूप से बहन नहीं समझता हूं। तो ये बात बहुत ही अशोभनीय है। अब तुम देर मत करो और भात लेने का काम जल्दी करो। अर्जुन के ऐसा कहने पर द्रौपदी मान तो जाती है लेकिन गुस्से में भर गई, विकराल और भयानक रूप धारण करके श्रृंगार करने लगी। अष्टभुजी दुर्गे यानी काली का साक्षात रूप धारण कर लिया। प्रेमियों, यहां यह बताना आवश्यक है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि एक देवीय शक्ति थी जो अग्नि से उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर आने का उसका विशेष प्रयोजन था और वह था कि महाघोर संग्राम में होने वाली नर हत्या के खून से अपने मन की प्यास बुझाना, जिसका सतयुग में विष्णु जी ने वादा किया था। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण जी के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। अतः द्रौपदी भयानक रूप धारण करके गुस्से में भरकर भात के बहाने से अपना असली मकसद पूर्ण करने के लिए श्रृंगार करके दरवाजे की तरफ चलती है। उस समय का वर्णन सुनिए। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, कुटिल लाल नेतर खुले केस लटक रहे, मोटे मोटे होट लहू पीवने को भटक रहे, लप लपाई जीभ दांत कड़कड़ाए खटक रहे, लप लपाई जीभ दांत कड़कड़ाए खटक रहे, बड़े बड़े कान छिद्र गुफा सी तरस रही, असुरों को खावन की खतर जैसे जीभ तरस रही, चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोद अग्नि सी बरस रही, चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोद अग्नि सी बरस रही, विकराल काल सा हुई एकदम, विकराल काल सा हुई एकदम, जो शरीर में भर के रे जब रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के। अष्टभुजी देवी खपर ऊपर को उठा रही, शंख चक्र खंडा गदा भाला भी घुमा रही, दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही, दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही, पंचानन पे बैठ रही शंख की आवाज करी, तीन लोक जाग गए दुर्गे की अंदाज करी, नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी, नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी, देव फूल पर सावन लगे, देव फूल पर सावन लगे, असुर भगन लगे डर के रे जब रूप भयानक करे के, जब चले द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चले द्रौपदी रूप भयानक करे के। पावन भैरो छप्पन कलवे आए रूप
चार धार भूत और पिशाच प्रेत करते आए मारा मार मांसाहारी जीव खावे अपनी त्वचा तार तार खावे अपनी त्वचा तार तार कर रहे स्तुति देव दुष्टों की हन्नी तू है शक्ति का है रूप तेरा अग्नि से बनी तू है शिव देखे तमाशा तेरा फूलों से मनी तू है शिव देखे तमाशा तेरा फूलों से मनी तू है आदि पुरुष के पास गई थी आदि पुरुष के पास गई थी शक्ति खूब सिंगर कह रहे जब रूप बयान करे के जब चले द्रौपदी रूप बयान करे के जब चले द्रौपदी रूप बयान करे के महलो तेले दरवाजे तक एक नाथ तैनी हुई लिखने में भी नहीं आती और बात घनी हुई गावेगा रघुनाथ बात कविता अंदर बनी हुई गावेगा रघुनाथ बात कविता अंदर बनी हुई कृष्ण जी का रूप शक्ति दौर से निहार रही मांगना है भात असली द्रौपदी विचार रही कृष्ण जी भी डरे खड़े काल का किलकार रही कृष्ण जी भी डरे खड़े काल का किलकार रही करी स्तुति कृष्ण जी ने करी स्तुति कृष्ण जी ने सर चरणों में धर के रे जब रूप बयान करे के जब चले द्रौपदी रूप बयान करे के जब चले द्रौपदी रूप बयान करे के द्रौपदी का इस समय साक्षात चंडी का रूप केवल दिव्य दृष्टि वाले श्री कृष्ण को ही दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर कृष्ण जी तो भात का बहुत सा सामान लिए खड़े थे और द्रौपदी को जब खाली हाथ देखा तो कृष्ण जी कहते हैं कि बहन भात के लिए थाल तो लेकर आओ। लेकिन द्रौपदी कहती है कि भैया जो भी कुछ तुम्हें देना है वह तो मैं पल्ले में ही ग्रहण कर लूंगी, पहले ये सोच लो कि मुझे क्या देना है और ये भी देख लो कि मैं क्या चाहती हूं। जब आप मुझे भात देना चाहते हैं तो भात में वो चीज दीजिए जो मैं चाहती हूँ। और द्रौपदी कृष्ण जी से क्या मांगती है, पल्ले ही मैं ले लूंगी थाली ना परात में देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के भात में पल्ले ही मैं ले लूंगी थाली ना परात में देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के भात में कृष्ण भैया बड़ा भारी वीर रे हस्तनापुर में हो गया मेरी इज्जत का अखीर रे इज्जत का अखीर रे सिर का उतरा चीर रे सिर का उतरा चीर रे उन कैरो की पंचायत में खेलूंगे कृष्ण भैया देगा के बाद में पल्ले ही मैं ले लूंगी काली ना परात में देख लूंगे कृष्ण भैया देगा के बाद में भूप उसके मन का चाया करा उसके
तेरा ओ ओ बात तेरा आया करा की चकियाली लात में देख लूंगी के सन भैया देगा के बात में पल्ले ही मैं ले लूंगी आई ना बात में देख लूंगी के सन भैया भात भर दो जो सब दुनिया को पिछाने रहे दुनिया को पिछाने रहे तेरी बाहन तो नाने रहे तेरी बाहन को नाने रहे और कम ही डोरा हाथ में देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में पल्ले ही मैं ले कचके महिमा है महान तेरी महिमा है महान तेरी आज देख के शान तेरी आज देख के शान तेरी उठे क्रोध गात में देख लूंग कृष्ण भैया देगा के बात में पल्ले द्रौपदी ने जब ऐसी बात कही तो कृष्ण जी उसे बताते हैं कि बहन भात में मैं वही दूंगा जो तू चाहती है क्योंकि अब तक भी तो जो तुमने मुझसे मांगा है मैंने वही दिया है तो फिर इसमें कहने की क्या बात है जहां जहां तुमने मुझे याद किया है मैं हर जगह हाजिर हुआ हूं। और कृष्ण जी बीती हुई बातों का हवाला देते हुए द्रौपदी से क्या कहते हैं हो जी चावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते हो जी चावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते हो जी चावे सो मांग एक दिन कैरो ने जाल जुए में फलाया था उनका मान घटाया और तेरा जी बढ़ाया था एक दिन बन में आया दुर्वासा जिमाया था एक दिन बन में आया दुर्वासा जिमाया था ओ, 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 ओ मैं खड़ा टीम पे पाया माला फेरे ते हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते ओ, 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 ओ जी चावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते ओ, 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 ओ जी चावे सो मांग द्रौपदी Thank you.
ने सताई थी। मढ़िया के दरमान जब तू रो रो के चिल्लाई थी, गुप्त रूप गणका करके तेरी लाज बचाई थी। गुप्त रूप गणका करके तेरी लाज बचाई थी। ओ, तेरी मढ़ी में पंद छुड़ाई घेरे ते, हाथ जोड़े ते माथी मांगो तेरे ते। ओ, 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 जीजा वे तो मांगे द्रौपदी मेरे ते, हाथ जोड़े ते माथी मांगो तेरे ते। ओ, 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 जीजा वे तो मांगे द्रौपदी मेरे ते। जहाँ जहाँ याद किया हाजिर खड़ा पाया सू, चिट्ठी गेर बुलाया ते मैं सिर के ताने आया सू। बात का सामान जैसा मंगवाया मैं लाया सू, बात का सामान जैसा मंगवाया मैं लाया सू। मैं बहुत घना शर्माया उलाना गेरे ते, हाथ जोड़े के माफी मांगो तेरे ते। तो जब कृष्ण जी द्रौपदी को भात में मुंह मांगी चीज देने का वादा करते हैं, तो द्रौपदी ने कृष्ण जी से वचन भरवा लिया और कहती है कि यदि ऐसी बात है तो फिर ध्यान से सुनो, मैं भात में क्या चाहती हूँ। मैं भात में वही लेना चाहती हूँ जिसे प्राप्त करने के लिए मेरा पृथ्वी पर आना हुआ है। मैं कोई सांसारिक चीजें नहीं चाहती, बल्कि अपना खप्पर यानी अपना संकल्प पूर्ण करना चाहती हूँ, और वो ये है कि युद्ध भूमि की रचना हो, रण क्षेत्र में प्रत्येक योद्धा की प्राण हत्या हो, उनके लहू से मेरे संकल्प की प्यास बुझेगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम चाहती हो वही होगा, लेकिन भात के बदले में फिरौती के रूप में मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो द्रौपदी कहती है कि तो आप भी मांग लीजिए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि पांचों पांडव और छठा मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में आपके खप्पर से सुरक्षित बचना मांगता हूं। इस प्रकार कृष्ण जी वे द्रौपदी में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी भात भाई मैं सद के जाऊं। जो हो दिल में चाहते मांग ले, पूरी कर दूं बात बहन मैं सी झुकाऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी भात भाई मैं सद के जाऊं। जो हो दिल में चाहते मांग ले, पूरी कर दूं बात बहन मैं सी झुकाऊं। ओ क्षेत्र में जंग छिड़े जाच पटे राजपूतों की, हरा छोड़ी गिनती हो गरम कला कलबूतों की। नारकट राजपूतों की ओर खपे सभी के गाते खून पीना चाहूं। जो हो दिल के चाहते मान ले, पूरे कर दूं बात बहन मैं सिर झुकाऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी बात भाई मैं सद के जाऊं। वचन तू भी दे दे, जहाँ तटी के अंडे हो वहीं पे पांचों पंडे हो। और छठा कृष्ण भी साथ लहू सबका प्याऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी बात भाई
अली खपर रहे मेरा नू अपने जी में जचा लिए ये छोटे मोटे कीड़े ते जाने कितने खाके पचा लिए पंचो बंदे बचा लिए करी दुखे की करामात दुख में दुख पाऊं जो हो दिल के चाहते मांग ले पूरे कर दूंगा धान में से झुकाऊं मार हाथ में हाथ वचन दे के मांगूंगी भाई मैं सत के चाहे ओ भूखी रहे चाहे प्यासी रहे मैं छह की जान बचाऊंगा रघुनाथ कन्हैया न्यू बोले महा भारत रास रचाऊंगा गुरु मान सिंह के गुण गाऊंगा गोड ब्राह्मण जात देवता कर जाऊं मार हाथ में हाथ वचन दे थे मांगूंगी इस प्रकार से कृष्ण व द्रौपदी दोनों दिव्य शक्तियों में आपस में इकरार हो जाता है जिसके अनुसार महाभारत होना तय हो गया और इस प्रकार द्रौपदी का खप्पर योद्धाओं के लहू से संपूर्ण होगा। लेकिन कृष्ण व द्रौपदी की इन अलौकिक भाषा की बातों का किसी को भी पता नहीं चला। भात की रस्म तो पूरी हो जाती है, इधर विवाह का सब कार्य अर्थात फेरे आदि का कार्यक्रम चल जाता है तो औरतें फेरे के समय पर गीत गाती हैं। क्या कहती हैं? आम केड़े हाथ पेड़े तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना जी आम केड़े हाथ पेड़े तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना है आम केड़े हाथ पेड़े तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना घड़ी प्रेम की आ रही आनंदी सी छा रही लड्डो घनी शर्मा रही लड्डो घनी शर्मा रही नीचे ने झुक रही ओले में लुक रही लाडो का गात पसीजना जी आम के हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना है आम के हाथ पेड़ ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना है मिलके पड़े खिचड़ी रांधनी छल्ला सुपारी बांधनी चंदा ते सुथरी चांदनी चंदा ते सुथरी चांदनी झुक झुक देखे यूनी घाटे के रूप बनारी झिणानी आम के हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना है आम के हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है चाचा ने बांधा तेरे बीजना है लाडो पराई भोलई जगह दूसरी डोहलई बेल धर्म की बोलई बेल धर्म की बोलई
धरती चुचकार है हापे मेहंदी मार है पिट पिट समझी खीजना दी आ मैं केरे हाथ फेरे आऊं ने बंधा तेरे भेदना है दादा ने बंधा तेरे भेदना है आ मैं केरे हाथ फेरे आऊं ने बंधा तेरे भेदना है दादा ने बंधा तेरे मन खुशी आंख तो सुबक तीजी रघुनाथ की कविता खुबक तीजी लाडो शरम से दुबक तीजी लाडो शरम से दुबक तीजी प्रेम के आंसू पूछेगी सासू आनंद पर शरम बीजना जी आम के हाथ फेरे तेरे आऊं ने बंधा तेरे बीजना है चाचा ने बंधा तेरे बीजना है आम के हाथ फेरे तेरे आऊं ने बंधा तेरे बीजना है चाचा ने बंधा तेरे बीजना है। और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम।